हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषभ एंड आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस आप सबका फिर से स्वागत है एक और ट्यूटोरियल ट्यूसडे के वीडियो में। और गाइस आज की वीडियो में काफी कुछ अलग हम सीखने वाले हैं। तो गाइस आप सबको याद होगा कुछ टाइम पहले डिज्नी प्लस पे एक शो आया था जिसका नाम था लोकी। तो उम्मीद है आप में से काफी सारे मार्वल फैंस जो होंगे उन्होंने वो शो देख रखा होगा। मैं भी एक मार्वल फैन हूँ तो आपको पता होगा कि लोकी क्या है, लोकी के ऊपर क्या शो आया। और अगर आप नॉन मार्वल फैन, आपको मार्वल के बारे में नहीं पता, लोकी के बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं, आप जाके उसका इंट्रो YouTube वगैरह पे देख सकते हैं। तो हाँ गाइज, आज का जो ट्यूटोरियल होने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसा लोकी का इंट्रो है काफी कूल लगा था मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसको ट्राई करूं प्रीमियर फिल्म बनाने का, और वो काफी सही बना है जैसे कि आप देखेंगे अभी वीडियो में। और मैं आपको बताऊंगा कि आप भी उस तरह का इंट्रो कैसे बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये वाला वीडियो आपको पसंद आएगा और ये काफी हेल्प करेगा आपको कुछ चीज़ें समझने में। तो यार मैं काफी कुछ बताऊंगा आपको, वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। और अगर आपको सवाल सुझाव रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो बकवास काफी ज्यादा हो गई, चलते हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हमको हमारा प्रीमियर प्रो ओपन करके रखना होगा एंड जो भी आप सॉन्ग यूज करना चाहते हो वो आप इम्पोर्ट करा सकते हो। यहाँ पे मैं ये सॉन्ग यूज कर रहा हूँ एंड दिस इज द कॉपीराइट फ्री सॉन्ग, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो इंट्रो वगैरह के लिए, क्योंकि इसको आपको इंट्रो रखना। बट मेक श्योर कि आपकी वो थीम से मैच करे, जरूरी नहीं कि आप सेम सॉन्ग ही रखो, आप कोई भी सॉन्ग रख सकते हो। तो वेल हमारा सॉन्ग जो है ड्यूरेशन मैंने यहाँ पे सेट कर ली है एंड इट बी अराउंड 10 seconds, और मेरे हिसाब से बहुत है 10 seconds। ठीक है, अभी क्या करने का है, हमको एक टेक्स्ट लेयर लेना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट हम लेंगे एंड आप, मैंने तो ये एग्जांपल के लिए लोग के ले रहा हूँ, आप एग्जांपल के लिए कुछ भी ले सकते हो। तो उसके बाद हमको अपना एसेंशियल ग्राफिक्स पैनल खोलना है। अगर आपको नहीं पता एसेंशियल ग्राफिक्स पैनल कहाँ से आता है तो विंडो में जाके यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा एसेंशियल ग्राफिक्स पैनल, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं एंड कुछ ऐसा ओपन होगा। एंड बाय द वे ये मेरा कस्टम वर्क स्पेस है, सो आपको कुछ अलग तरीके से दिख रहा होगा अगर आपने डिफॉल्ट प्रीमियर प्रो का यूज़ कर रहे हो एडिटिंग वाला या इफेक्ट्स वाला, बट ये मेरा कस्टम वर्क स्पेस है तो इसको मैं इस तरीके से मैनेज कर रखा हूँ। तो कन्फ्यूज़ वगैरह मत हो ना कि आपका ऐसा क्यों नहीं आ रहा। खैर आपको उसको सेंटर अलाइन करना है एंड अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हो। सो मैंने इसको सेंटर अलाइन कर दिया है एंड अभी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा कुछ इस तरीके से आएगा, बट मुझे इसे थोड़ा स्ट्रेच करना है ताकि थोड़ा स्पेसिंग हो और थोड़ा कूल लगे। वो जो लुकी का हमारा इफेक्ट था उसको मैं अराउंड 400 रख देता हूँ एंड इसको मेक श्योर कि सेंटर अलाइंड हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। खैर फिलहाल तो मैं इसको 9 seconds करता हूँ, बट थोड़ा हैक करता हूँ अभी हमको, तो हम इसको 5 seconds तक ही रख लेते हैं। ठीक है, एंड इतना करने के बाद हमको जाना है हमारे इफेक्ट कंट्रोल पैनल में एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेक्स्ट और ब्रैकेट में लोकी लिखा होगा, तो इसको ओपन करना ड्रॉप डाउन मेनू को एंड यहाँ पे आपको जो सोर्स टेक्स्ट है इस पर क्लिक करना है एंड आपको की फ्रेम चालू करना है। तो यहाँ पे आपको की फ्रेम बना दिख रहा होगा, छोटा सा एक की फ्रेम बना दिख रहा होगा। सो ओके, उसके बाद आपको पर्टिकुलर जो भी लेटर है आपका, सेंटर लाइन कर लूँ उसको एंड पर्टिकुलर जो भी लेटर सपोज, तो पहले हम एल से स्टार्ट करेंगे एंड आपको की फ्रेमिंग करनी है पर्टिकुलर लेटर के लिए। तो यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा कि जैसे मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट फॉन्ट्स हैं प्री इंस्टॉल्ड, आप कुछ फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से अगर आपके पास नहीं है, एंड फॉन्ट्स को डाउनलोड करने के लिए एक वेबसाइट है thefont.com। तो मैं स्क्रीन पे उसका डिस्प्ले कर दूंगा कि वेबसाइट का नाम क्या है, वैसे उसका नाम thefont.com है। तो आप उसको जाके वहाँ पे काफ़ी सारे फ्री फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे फॉन्ट्स आपको कूल फॉन्ट्स मिल जाएंगे। एंड मेक श्योर इस ट्यूटोरियल के लिए या फिर इस तरह के कुछ भी इंट्रो बनाने के लिए आपको डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स चाहिए होंगे जो कि थोड़ा अलग अलग चीज़ों को रिजेंबल करें। तो अभी आप थोड़ा एग्जांपल देखोगे तो समझ जाओगे। सो सबसे पहले हम लेटर एल को लेंगे एंड जिसमें पहले ऐसे ले लेता हूँ, बट ये पहला की फ्रेम है, अगले की फ्रेम में लूँगा। तो मैं हर 5 seconds या 10 seconds, 10 seconds यानी 10 frames वाला, जो सॉरी 10 seconds बोलूँ, 10 frames वाले के बाद ही लूँगा उसको। तो शिफ्ट के साथ अगर आप एरो की दबाएंगे तो आप सीधे 5 seconds आगे पीछे करेंगे फ्रेम। तो मैं 5 और 10, तो ये 10 frames के बाद है। अब मैं यहाँ पे दूसरा वाला कोई भी तो इस तरह का एल चूज़ करूँगा एंड देन इसके अगले की फ्रेम में जाना है 10, और यहाँ पे मैं दूसरा एल चूज़ करूँगा फिर 10, कोई डिफरेंट टाइप का ले सकते हैं हम, कोई से भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर कि ये
किस तरह का है और कैप्स लॉक ऑन है नहीं ऑन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सो इट डजेंट मैटर। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे जो मतलब जितना लंबा आप करना चाहते हो तो अप टू यू, आपको एक एक करके, ये थोड़ा मैनुअल है, थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है इस वीडियो का, या फिर कह सकते हैं आपको भी काफ़ी बोर आएगा स्टार्टिंग करने, बट मेक श्योर कि आप थोड़ा बोर वगैरह ना ब्रेक लेके भी कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह के इंट्रो को वन गो में बनाओ, आप थोड़ा टाइम लेके भी बना सकते हो। तो खैर इस तरीके से हमें एल के साथ साथ बाकी सारे के सारे लेटर्स को लिखना होगा, एंड मैंने पहले से ही करके रखा है तो जो कि इंट्रो में आप सब देख ही चुके हो, तो मैं उसको लेके आऊँगा यहाँ पर, ठीक है, और ठीक है तो मैं उसको लेके आता हूँ अभी। जैसे कि आप देख पा रहे हो अगर ओके लेट मी चेक, हाँ तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको की फ्रेम्स देखने को मिलेंगे, तो ये की फ्रेम्स आप देख पा रहे हो आई गेस, ठीक है, तो ये की फ्रेम्स काफ़ी सारे हैं। एंड उसके बाद हमको एक गॉशियन ब्लर ऐड करना होगा, सो गॉशियन ब्लर पहले मैं नीचे वाली जो क्लिप है ये दिखाता हूँ, तो आपको इस क्लिप पे गॉशियन ब्लर को ऐड करना होगा, और गॉशियन ब्लर आपको इफेक्ट्स में जाएंगे एंड यहाँ पे गॉशियन ब्लर अगर टाइप करेंगे तो आपको ये गॉशियन ब्लर दिख जाएगा, एंड आपको उसको बस ऐसे ही जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस क्लिप पे एंड ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे गॉशियन ब्लर ऐड करना होगा और इसकी वैल्यू आप 400 टू 450 के बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं, तो इस तरह का कुछ लुक आएगा। अब मैं बता रहा हूँ कि इसको मतलब हम लोगों ने ऐड क्यों किया ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऐड करने के पीछे कि थोड़ा ड्रीमी सीक्वेंस है, क्योंकि जैसे जो लोकेशो की वाइब थी तो थोड़ी ड्रीमी सीक्वेंस टाइप की वाइब थी, तो मुझे थोड़ा ड्रीमी सीक्वेंस वाली वाइब चाहिए कि थोड़ा कूल्स लगे, एकदम पहले एकदम सिंपल सिंपल लग रहा था। तो एंड उसके बाद आपको जस्ट इस गॉशियन ब्लर को ऐड करने के बाद आपको उस क्लिप का डुप्लीकेट करना है, एंड देन फिर हमें गॉशियन ब्लर जो हमारा है उसकी वैल्यू हमें 15 सेट करनी है। अगर आप 15 सेट नहीं करोगे सो वो वैसे ही धुंधला रहेगा। एंड उसके बाद हमको रफन एजेस ऐड करना है, इफेक्ट्स पैनल में कंट्रोल में जाएंगे एंड रफन, तो आपको ये इफेक्ट्स ढूंढना है रफन एजेस, ये स्टाइलाइज के अंदर आपको मिल जाएगा एंड आप इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, एंड जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही सही है, बट आप सेटिंग्स के साथ चाहो तो खेल सकते हो। फिलहाल मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया, एंड आप देख पा रहे होंगे कि ये इस तरह का जो एक होता है ना ग्रिंजी और स्क्रैची इफेक्ट, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अगर मैं बंद कर दूँ देखो ये स्मूथ है अभी, बहुत तो कह सकते हैं कि सॉफ्ट बटरी सॉफ्ट है, तो जो कि उतना अच्छा नहीं लग रहा, बट जैसे ही मैं इसको ऐड कर दूँगा देखो आपको एक ग्रिंजी हल्का हल्का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, तो मेक श्योर कि आप इसको कर सकते हैं। एंड उसके बाद अब हम एक एडजस्टमेंट लेयर को ऐड करेंगे जो कि मैंने पहले से ही बना के रखी है, एंड मैं बताता हूँ आपको एडजस्टमेंट लेयर अगर बनाना है तो आप अपने प्रोडक्ट फाइल्स में आके यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर बना सकते हैं। तो खैर एडजस्टमेंट लेयर मैंने बना रखी है, आप फिर आपको इफेक्ट कंट्रोल में जाना है एंड इसमें आपको नॉइज ऐड करनी है। सो मैं दिखा देता हूँ नॉइज़ के बिना होता क्या है, बहुत हल्का सा ग्रेन आता है नॉइज़ से, एंड नॉइज़ के लिए आपको जस्ट जाना है यहाँ पे इफेक्ट पैनल में एंड नॉइज़ सर्च करना है, और ये आपको मिल जाएगी नॉइज़ एंड ग्रेन के नीचे, तो आपको नॉइज़ ऐड करना है एंड इसकी वैल्यू जो हम सेट करेंगे वो सेट करेंगे 30% कह रहा हूँ, ताकि आप ज़्यादा भी कर सकते हो अगर मैं ज़्यादा बढ़ा दूंगा, देखो बहुत ज़्यादा ग्रेन आ गया, अगर आप लेटर एल पे और के पे फोकस तो वो आप यहाँ फोकस कर पा रहे हो तो कितना ज़्यादा नॉइज़ आ गया, तो इतना ज़्यादा भी नहीं चाहिए, बट 30% to 40% इट इज़ मतलब अच्छा लगता है, देखो हल्का हल्का आ रहा है मैं, बट थोड़ा सा और कम कर देता हूँ 35 के आसपास, ठीक है। तो नॉइज़ हमें हल्के से रखनी ताकि वो जो होता है ना ओल्ड स्कूल टाइप का इफेक्ट जो थोड़ा सा हमें देखने मिले। फिर एक हम और एडजस्टमेंट लेयर लेंगे एंड यहाँ पे मैंने कलरिंग वगैरह करके रखी है, एक्चुअली कलरिंग के यहाँ पे लिबर्टी पैनल पे आपको ओपन करना है एंड इसका जो कलर है वो सैचुरेशन एंड हाईलाइट्स वगैरह हमें बढ़ानी है एंड घटानी है थोड़ी सी। तो देखो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने टेम्परेचर इसका डाउन किया है -54% किया है, एंड उसके बाद अगर आप क्रिएटिव टैब्स में जाएंगे तो वहाँ पे मैंने सैचुरेशन इसका बढ़ाया हुआ है, देखिए सैचुरेशन बढ़ा दिया है। एंड कलर व्हील भी अगर आप बात करेंगे तो कलर व्हील भी मैंने डाउन करके ये यहाँ पे मैंने शेडोज़ डाउन करी हैं और हाइलाइट्स बढ़ा दी हैं, तो ये अपने हिसाब से आप कस्टम कलर को लेड भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। तो इस तरीके से आप ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं।
और ये थोड़ा ड्रीमी सीक्वेंस हमारा फॉलो करने लगेगा। एंड उसके बाद मैंने एक ये कह सकते हैं कि ओवरले ऐड करी ग्रिंजी बहुत डॉट डॉट्स हल्के हल्के आ रहे हैं। आप इसको बना, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में यही सेम ओवरले का लिंक दे दूंगा आपको। एंड मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था, मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था तो उसमें मैंने बताया भी कि आप अगर आपके पास कोई एसेट नहीं है एंड आप उसको स्क्रैच से बनाना चाहते हैं तो आप इसको प्रीमियर प्रो के अंदर स्क्रैच से बना सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा एंड स्क्रीन पर दिखा भी दूंगा थंबनेल, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। तो आप उस ट्यूटोरियल को देख के भी सीख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये ग्रंजी स्क्रैची इफेक्ट बनाना है। सो सारी चीज़ें हमारी हो जाएंगी एंड इन सबको अगर हम कंबाइन करते हैं सो इट विल लुक लाइक दिस। सो अभी आप देख रहे होंगे कि अभी भी कुछ चीज़ें मतलब सही नहीं लग रही होंगी, ठीक है। तो बताता हूँ ऐसा क्यों है। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले ऑडियो को म्यूट करा एंड मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया क्योंकि मैं इसको बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता था। तो मैंने इसको एक्सपोर्ट किया है एंड उसके बाद ऑडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा एक चीज़ करी है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ऑडियो एक्सपोर्ट करने के बाद अगर आप ये वाला देखेंगे जो मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया तो म्यूट हटा देता हूँ। तो जैसे अगर आपको ये इस तरह का देख रहे थे ना, इसको मैं लाता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑडियो म्यूटेड है एंड उसके बाद जस्ट आपको इफेक्ट्स यहाँ पे जाना होगा इफेक्ट कंट्रोल्स पे और इसका स्केल आपको सेट करना होगा। सो स्केल 100:2 और अगर हम रख देते हैं लास्ट में रख देते हैं 115, जो कि मैंने 115 रखा था एंड सेम ऑडियो यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। एंड आपको उसको स्पीड थोड़ी धीमी करनी पड़ेगी, तो मतलब बढ़ानी पड़ेगी, सॉरी मतलब एक्चुअली टेक्निकली धीमी करनी पड़ेगी इसकी स्पीड यहाँ से आपको। तो अब अगर देखें 66% पे है तो जो कि बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। एंड अगर आप देखेंगे तो सेम इफेक्ट, एंड अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल सेम इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो ये इस तरह कुछ हमें फटेगा एंड इसको आप एक्सपोर्ट करके अपने किसी भी तरह के YouTube वीडियो में या फिर कुछ अलग आप DIY बना रहे हो तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको Adobe Premiere Pro सीखना है बेसिक्स से एडवांस तो आप मुझे कांटेक्ट करके पर्सनल क्लासेस भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं सारे अपना ईमेल एड्रेस वगैरह आपके साथ शेयर कर दूंगा तो आप मेरे से डायरेक्ट पर्सनल क्लासेस लेके भी सीख सकते हो। और मैंने फिल्मोरा फ्री कोर्स बना रखा है तो अगर उसको नहीं देखा तो वो भी देख सकते हो एंड आगे और भी काफ़ी अच्छे अच्छे स्टफ लाने वाला हूँ। सो चैनल पे बने रखना। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, सेफ रहें एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस।